अगर आप भी इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं, लेकिन आपके अकाउंट की जो है रीच नहीं बढ़ रही, आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में आप सभी को इंस्टाग्राम की 6 ऐसे हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं, हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप टर्न ऑन कर लेंगे एंड यूज करेंगे तो आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा एंड आपको जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब इस वीडियो में बताने वाला हूं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। टाइम में आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूं जो हमारे फॉलोअर्स है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट के ऊपर जो है काफी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे अकाउंट होते हैं जो घोस्ट या फिर बॉट अकाउंट होते हैं, फेक अकाउंट होते हैं। अगर आप चाहते हो उनको सॉर्ट आउट करना, रिमूव करना, तो आपको सिंपल से आप जो अपने अकाउंट के ऊपर जाना है। जैसे मेरे 15 के फॉलोअर्स हैं, इस वाले अकाउंट में मैं नहीं करने वाला। सिंपल से जो आपने, जैसे मेरा 41 वाला फॉलोअर जिस पे है, इस वाले अकाउंट पे गया, फॉलोअर वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, जैसे मैं टैप करूंगा तो यहां पे ऑप्शन आएगा फ्लैग फॉर रिव्यू। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करूंगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से आ जाएंगे सारे अकाउंट। जैसे यहां पे एक ही फॉलोअर है, जैसे आपके अगर 10, 5, 100, 200, 500, 1000 जितने भी है, तो आप जो उसको रिमूव ऑल कर सकते हो या फिर आप जो उनको नॉट स्पैम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर अगर स्पैम फॉलोअर गायब हो जाएंगे तो आपके अकाउंट की ऑटोमेटिकली रीच या फिर आप बोल सकते हो एंगेजमेंट अच्छी हो जाएगी एंड आपको जो अच्छे लाइक्स एंड फॉलोअर्स आएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे समझाऊं तो अगर आपके जो है 1,00,000 फॉलोअर हैं, आपके अकाउंट के ऊपर सिर्फ 10,000 लाइक आते हैं एंड वहीं आपके अकाउंट के ऊपर से अगर आप अपने फेक फॉलोअर्स 90,000 हटा देते हो तो आपके 10,000 फॉलोअर हैं एंड आपके 10,000 ही लाइक है। तो यहां पे आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके ब्रांड भी अच्छे मिलेंगे। अब सेकंड तरीके के बारे में बात करता हूं, अगर आपको चेक करना आपका अकाउंट जो है ऑप्टिमाइज्ड है या फिर नहीं, आपका अकाउंट सजेस्ट होता है या फिर नहीं, तो आपको जो है सिंपल से कॉग्निटो मोड पे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में बता रहा हूं। तो आप जैसे इधर आएंगे तो मैंने फॉलो कर लिया, अपने अकाउंट को अनफॉलो कर लिया, उसके बाद जैसे ही फॉलो करेंगे तो आपको जो है साइड में कुछ इस तरीके से आइकन बनाएगा। जैसे आप नीचे देखेंगे जो सजेस्टेड अकाउंट है, सजेस्टेड फॉर यू, तो आपके देखना है कि आपके अकाउंट जो है ये सारे अकाउंट मैचिंग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्रांड का आ रहा है या फिर आप बोल सकते हो किसी का पर्सनल अकाउंट आ रहा है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे सजेस्टेड यानी ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन मैं अक्षय कुमार सर का दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मैंने नीचे गया एंड यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज वेरीफाइड अकाउंट आ रहे हैं, इट मीन इनका अकाउंट ऑप्टिमाइज है। जैसे मैं रैंडमली यहाँ पे किसी का भी जो अकाउंट देखता हूँ, जैसे इन भाई का देखता हूँ फूड ब्लॉगर का, तो यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो इधर जो है इस तरीके से आप देखेंगे नीचे फूड वाले भी आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो भाई का अकाउंट जो यहाँ पे सेमी ऑप्टिमाइज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे हमारा नाम, अब बहुत सारे लोग कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन आपको नाम के साथ साथ जो है बहुत सारे कीवर्ड जो है रैंक करवाने चाहिए। जैसे मेरा नाम आई फ्यूचरिस्टिक, आपको इसके साथ साथ कोई भी कीवर्ड लिख देना, जैसे आपका टेक का है, फिर कार का है, फाइनेंस का है, केयर का है, ब्यूटी का है, तो आप वो सब लिख दो। जैसे मैंने टेक एंड टिप्स लिख दिया, अब इससे एग्जांपल मैं आपको खुद को डायरेक्ट प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे मैंने ये कर दिया, अब मैं सर्च ऑप्शन पे जाऊंगा, अब यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, आई फ्यूचरिस्टिक नहीं, टेक सर्च करूंगा। टेक सर्च करा, अकाउंट्स के ऊपर पे गया तो मेरे को थर्ड नंबर पे मेरा अकाउंट दिखाई दे रहा है। देख सकते हो ऊपर मिलियन वाले अकाउंट है, लेकिन थर्ड नंबर पे मेरा अकाउंट दिखाई दे रहा है जिसके सिर्फ 41-40 फॉलोअर है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से रैंक होने में मदद करती है, तो आप ये चीज जोर से यूज करो, ठीक है। इसलिए लोग सारे यूट्यूबर्स टेक और टेकी टेक्निकल ये सब जो है डालते हैं। अब अगली जो है आपको चीज करनी है, आपको सेटिंग्स का ऑप्शन जाना है एंड सबसे नीचे स्क्रॉल ऑन करना है, नीचे 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 एकदम नीचे जाएंगे। जैसे आप तो एकदम बॉटम पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट स्टेटस का, जैसे आप इधर आएंगे तो आपको देख लेना ये सारी चीज जो है कंफर्म यानी टिक, ग्रीन टिक होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट जो है रिमूव में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर मोनेटाइजेशन में इशू है, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट की एंगेजमेंट कहीं ना कहीं इशू हो जाए क्योंकि आपका अकाउंट सजेस्ट नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करता हूं जो हमारी स्टोरीज। बहुत सारे लोग जो है स्टोरीज पे ध्यान नहीं दे रहे, रील्स के ऊपर ध्यान दे रहे, स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है स्टोरीज में टन ऑफ फीचर्स मिलता है, टन ऑफ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, जो है फ्रेम्स का स्टिकर, म्यूजिक का स्टिकर, म्यूजिक एड ऑन्स, एड योर्स का एंड और भी बहुत सारे रिवील का स्टिकर देखने को मिलता है। आपको इन सबको यूज करना है, स्टोरी जो आपको एंगेजमेंट लाके देती है 101%, तो आपको जो है जरूर से इनको यूज करना है। चाहे आप कुछ भी यूज करो, स्लाइडर्स यूज करो, एसेट्रा चीजें यूज करो, आपको स्टोरीज पे स्टिकर्स को जो है यूज करना आना चाहिए एंड जरूर से यूज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर है, जैसे आप इधर आएंगे तो आपको जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको जो है इधर ऑप्शन दिखाई देगा इंस्पिरेशन का, जैसे आप इधर टैप करेंगे आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप इधर आएंगे आपको रील्स एंड ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा। अब सजेस्टेड पे आप देखेंगे आपको इस टाइप के जो है सजेस्टेड रील्स जो है दिखाई देती है आपके लोगों को, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं वो भी ये रील्स देखते हैं, तो आपको इस टाइप की कुछ रील बना लेनी। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा सकते इस टाइप की जो है रील्स मिलती जुलती बना सकते, आपको कॉपी नहीं करना, इंस्पिरेशन लेनी, आइडिया लेना है, तो यहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हो, इन ऑडियोस को यूज कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम जो आपका अकाउंट आगे पुश करेगा। तो ये चीजें आपको जो है जरूर से अपने अकाउंट के ऊपर करनी है, आपके अकाउंट को जो है जरूर से बूस्ट मिलेगा। अगर आप जो है सिर्फ फालतू में रील्स अपलोड कर रहे हो, जैसे मैं कभी कभी अपने जो है इंस्टाग्राम पेज पे कर देता हूं टाइम पास के लिए, तो वो चीजें एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली ग्रो करना है तो आप इन चीजों को फॉलो करो। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट टू चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोग बताना कैसी लगी टिप्स कमेंट सेक्शन में। इधर था वीडियो में, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जैसे करना, शेयर जैसे करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं न्यू वीडियो तक के लिए, बाय गाइस, जय हिंद।